से फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपको हैरानी हो सकती है कॉलेज चूज करने में, हो सकता है आपको ये करें या ना करें, लेकिन जो फैक्ट है वो मुझे बताना जरूरी था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन फैक्ट को पूरे तरीके से, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी जाके आप फैक्ट समझ में आएगा और आपको सही डिसीजन में कामयाब होगी। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। सो है दोस्तों, वेलकम, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। VIT आप लोग जैसे कि सबको पता है कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे 4 कैंपस है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। तो पूरा का 4 कैंपसों में आपको कुछ जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ VIT वेल्लोर के बारे में, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। तो एक्चुअली ये इसका टोटल मतलब कि करिकुलम क्या है, फैकल्टीज क्या है, वो फैसिलिटी क्या क्या आपको मिलेगा, एक्चुअली इसे लेना है भी चाहिए या नहीं, सबसे पहले मैं बता दूंगी। इसके लिए इससे आपको JEE मेन या एडवांस या फिर बीटेक वगैरह से आपको इस कॉलेज नहीं मिलेगा, एक पूरा का पूरा प्राइवेट कॉलेज है, जबकि आपको इसे अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके थ्रू ही आप तभी इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप पहले आप देख रहे होगे स्क्रीन पे जो भी बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना, वो सबको आपको, लेकिन कोई यार कोई 5-स्टार होटल से कम नहीं है। सबसे पहले अगर आपकी ज़िंदगी तय है, मतलब अगर आप चाहते हो कि बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल हो, एक कैंपस हो, कॉलेज लाइफ हमारा, तो ये सिर्फ ही सिर्फ ये कॉलेज आपके लिए। आप एक आँख दोनों आँख का नाक बंद करके इस कॉलेज को ले सकते हो, क्योंकि इसका अगर एक ही बिल्डिंग आप देख के इतना चौंक रहे हो तो पूरा कैंपस टूर करके कैसा लगेगा। देखो कैंपस टूर आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगा, मानना VIT कैंपस टूर तो आपको मिल जाएगा, वरना वेबसाइट तो है ही इसका कैंपस टूर के। जो अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बोलना, मैं तो हूँ आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि सबसे पहले बात आते हैं कि VIT वेल्लोर की, जो कि पूरा का पूरा 250 एकड़ की है। दूसरी बात है कि इस पूरा कैंपस टोटल 4 कैंपस है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, आंध्रा में हो गया आपका, जो कि वेल्लोर में हो गया, जो वेल्लोर बेसिकली मेन कैंपस, इसलिए हम इस बारे में वेल्लोर की ही बारे में बात करेंगे। बाकी की अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, वो अलग बात है। अगर इसकी बात करूँ तो सबसे बड़ी बात जो कि पूरे कैंपस में आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग तो मिकी वो अब बिल्डिंग क्यों नहीं होगी यार, इतने सारे स्टूडेंट, सबसे बड़े पूरे 8,000 इन फर्स्ट ईयर की VIT की रैंकिंग। रैंकिंग की बात करें तो यार बहुत ही साफ है कि NRF रैंकिंग इसकी मिली थी, जो कि टॉप 20 यूनिवर्सिटी में आपको पूरा कंट्री में टॉप 20 यूनिवर्सिटी में इसका गिना जाता है आपका। एंड 4th टाइम जो कि इंजीनियरिंग में इसका 4th टाइम सिलेक्शन 4th मिला था। एंड VIT जो कि पूरे NRF रैंकिंग के हिसाब से आपको 15 रैंक मिला था। देखो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप NRF रैंकिंग में पूरे पूरा तरीके से अंधे विश्वास मत करना कि ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है NRF रैंकिंग। NRF रैंकिंग की बहुत सारे फैक्ट को लेके बताया जाता है, अगर आपको नहीं मालूम है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो मुझे बताना यार NRF रैंकिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको डिटेल्स दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कैंपस साइंस एंड बाकी के जो कि इसका जो साइंस कंप्यूटर साइंस जो है उस हिसाब से, सबसे पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में पूरे इंडिया में अगर VIT आपको मिलता है, जो स्पेसिफिकेशन मिलता है पूरे इंडिया में, तो वो VIT वेल्लोर में है, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी से लेके आपका जो हैकिंग से लेके हर एक फील्ड में आपको इसका वैरायटी मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इसका टॉप 4 में रैंक करता है। एंड सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंडिया में टोटल 8 में रैंक। अगर बात करें शंघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, इस VIT इज़ वन ऑफ एमंग द टॉप 9 इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया। देखो यार पूरा अगर शंघाई वर्ल्ड, आप सबको पता है कि शंघाई एक बहुत ही बड़ा फेमस जो कि एक रिपोर्ट पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग बेस करता है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है करीबन WAR WU, उसमें से आपको इसका पूरा 9 नंबर में रैंक आता है। एंड सिर्फ भी एक ही मात्र इसका पूरे इंडिया से एक ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि शंघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग करता है, वो सिर्फ VIT VIT का नाम ही आता है। तो
बाकी की अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से बताऊँ तो 5 सब्जेक्ट जो कि 5 सब्जेक्ट में इसको टॉप 500 के अंदर ही इसका रैंक आता था। देखो यार रैंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, वरना वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इंटरनेशनल रिलेशन टोटल, उससे पहले मैं बता दूंगी इसकी इंटरनेशनल रिलेशन जो कि अगर आप फॉरेन में जाके अपना पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्क्स से, 300 से ज़्यादा भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के संग इसका टाई अप हुआ है। एंड बाकी के जो कोर्स ऑफर किया जाता है इस कॉलेज से, देखो कोर्स लगभग ऑल, मतलब एक बात आप समझ लो कि सारा का सारा कॉलेज, जितने भी बेसिकली एक कोर्स होता है एक अंडर ग्रेड के लिए जितना भी कोर्स होता है अंडर ग्रेड के लिए, वो सारा का सारा कोर्स आपका मेडिकल से लेके हो गया, आपका होम्योपैथी से लेके हो गया, आपका इंजीनियरिंग से लेके, हर एक जनरल से लेके, हर एक कोर्स को एक्सपेक्ट करता है। तो बिना आपके लिए हर एक कोर्स के लिए आप किसी भी फील्ड में अगर पढ़ाई करना चाहते हो आपके लिए इसके द्वार खुला रहता है हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ ये मेंशन करना चाहूँगा उसके अलावा भी, बाकी एक बात सबसे पहले बात एक समझ लो कि सारा का सारा कोर्स ऑफर होता है, उसके अलावा मैंने कुछ मेंशन कर दिया जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपका हो गया, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग फील्ड से मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इस वीडियो में सबसे फेस करना है जो कि मेन टॉपिक है वो इंजीनियरिंग की रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटीज, ऐसे बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको स्क्रीन पे भी हो रहा होगा, उसको आप देख लेना। अगर आप किसी भी कॉलेज में अगर किसी भी ब्रांच में आपको स्पेसिफिक जानना है तो मुझे बताना, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। कोई भी क्वारी रहेगा तो नीचे तो है ना यार बॉक्स उतना बड़ा दिया हुआ है जो कि हमारे यूट्यूब वालों ने, तो आप वहाँ पे करना, वरना तो मेरे सोशल मीडिया में वहाँ पे आपको जाके लड़ाई करना ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ऑल ओवर हर एक कॉलेज की ही तरह सेम, लगभग सेम है, लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप नेशनलिटी बात करो तो आपको डेफिनेटली आपको इंडिया के बंदा होना चाहिए, और फिर नॉन रेजिडेंट है इंडियन बॉर्डर, आप NRI भी होगे तो तब भी आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें एज लिमिट की जो कि 1 जुलाई 1990 और एज लिमिट बेसिकली उतना ज़्यादा खास प्रेफर नहीं किया जाता, आपको 17 साल का होना चाहिए ये जो कि हर कॉलेज बोलता है, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे ये बहुत ही घटिया सिस्टम लगा। तो मैं उम्मीद, लेकिन इसके लिए कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जिस साल अभी जो भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो 99.99% सारा का सारा इस एज के लिए काबिल है। अगर क्वालिफाई एग्जामिनेशन के बात करूँ तो आपको जो कि इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इसका होता है VITEE, आपको मैं बता दूंगा VITEE की जो कोई ये आता है करीबन VITEE करके एक एग्ज़ाम आता है जिसका मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन सिस्टम और उसका जो डेट कब है सारा का सारा मैं बता दूंगा, वो आप ये तो दिल थम के बैठिए। एंड क्वालिफिकेशन इसे आपको क्लियर करके आप इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड विद द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द +2 में आपको, अगर आप इस साल अपियर किया हो या फिर आपका 12th पास होना जरूरी है, तो बेसिक सा है यार, हर एक कॉलेज की तरह या फिर हर एक यूनिवर्सिटी की तरह बेसिक। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैंने पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम होता है हर एक का मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस, सिलेबस में मैं आपको बता दूँगी, सिलेबस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जी हाँ आपने सही सुना है, आपको इसमें इंग्लिश और एप्टीट्यूड भी देना पड़ेगा। हाँ यार इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग, बहुत आपको सवाल हो सकता है कि इंजीनियरिंग देने के लिए यार एप्टीट्यूड का क्या करें, या फिर बायोलॉजी, देखो यार बायोलॉजी जो कि बच्चे मेडिकल डिपार्टमेंट जाएंगे उसके लिए बायोलॉजी है, ठीक है ना। आप अपना क्यों अपने पे क्यों टान रहे हो, ठीक है। आपको इंग्लिश भी देना पड़ेगा यानी एप्टीट्यूड भी देना पड़ेगा। अगर बात करें तो मैनी एलिजिबिलिटी जो कि आपका 12th में होना चाहिए वो PCM या PCB, अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपको PCB, और अगर जो कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
इसे आपको 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। SST हो तो थोड़ा बहुत छूट छाट मिल जाता है, वो अलग से आपको मैंने वो मेंशन कर दिया, वो देख लेना। पूरे 2 घंटे, पूरे 2.5 घंटे के एग्जाम होता है, जो कि 3 शिफ्टों में करा जाता है। जो कि पहला शिफ्ट है 9:30 को, एंड 9:30 को जो कि सुबह की 9:30 को होता है, एंड सेकेंड शिफ्ट 12:30, एंड थर्ड शिफ्ट जो कि 4 बजे होता है। भाई क्या करता है, रात को भी एग्जाम करवाएगा क्या? टोटल 125 क्वेश्चन होता है, 125, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 नंबर। सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव, इस चीज को दिमाग में रख लेना। अभी तक की दो हो गया, दो कॉलेज हो गया, जैसे कि कॉमेट के का एग्जाम एंड ये VT का, VITEE का जो एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम में आपको नो नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब कि छक्के छुड़ा दो यार, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। अगर नहीं भी आता तो तुक्का मार के आ जाना, दो चार लग जाएंगे, या फिर कुछ कुछ बच्चे अच्छे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सारा का सारा लग जाएगा और आपका एडमिशन हो सकता है। तो बिना टाइम गवाए उसे भी कर लेना। टोटल का टोटल आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि आप JEE मेन या देते हो। अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो क्या कर रहे हो यार, वही साइड में जाओ, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके दे ट्राई करो कैसे होता है, क्या करना है। अगर फिर भी अगर बेसिक सा नॉलेज भी नहीं है आपको कंप्यूटर में, तो या कोई बात नहीं, वहाँ आपको सिखा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लॉन्च ऑफ वेब एप्लीकेशन, जो कि आप वेबसाइट में इस एप्लीकेशन जो को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 30 नवंबर 2020, जो कि 21 का एग्जाम के लिए आरंभ हो चुका है। अगर बात करें लास्ट डेट आप अप्लाई की, तो 30 मार्च 2021 का है। टेंटेटिव डेट्स फॉर VITEE 21, जो कि टेंटेटिव डेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो टेंटेटिव डेट ये होता है कि अगर लगभग इस चीज़ को आप लगा लेना। टेंटेटिव का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आए तो हिंदी में सीधे भाषा है कि लगभग इस तारीख को, अप्रैल 2nd से लेकर थर्ड वीक, सेकेंड से लेकर थर्ड वीक, सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर ही इसका एग्जाम होगा 21 का, 21 के लिए। अगर काउंसलिंग डेट की बात करूँ तो उसी हिसाब, अगर इसमें अप्रैल को अगर एग्जाम हो गया तो काउंसलिंग डेट आएगा आपको May 1st week 2021। अगर क्लास का कमिटमेंट की बात करूँ तो 2nd जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है यार, सरकारी की तरह ऐसा नहीं होता कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका गारंटी ले लेना। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा, VITEE.ac.in में जाना जाओगे, वहाँ पे जाके आओगे, सबसे पहले जो आपको इस तरह का कुछ एप्लीकेशन, इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा, वहाँ पे जाना। न्यू यूज़र मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक, ऐसे न्यू यूज़र पे क्लिक होना चाहिए, सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए आपको। वहाँ पे जाके आपको अपना कैंडिडेट का नाम फिल करना, रेसिडेंट स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना, और जाके आगे आगे स्टेप करना और जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म करना, ठीक है ना। बाकी का सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि टोटल 7 स्टेप में होता है, वो आप देख लेना। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करो, सबसे पहले अगर आपको, अगर आपने क्लियर कर लिया तो भाई आपने एप्लीकेशन तो कर दिया है, वो आपका टेस्ट भी क्लियर होगा, लेकिन आप एडमिशन कैसे लोगे? सीधी सी बात है कि अगर आपने रैंक, अगर अच्छा रैंक लाया तो आपको, आप सिलेक्शन हो गया। अगर सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉल आएगा, आपको ऑनलाइन या फिर ऑन साइट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर ज़्यादातर इस साल कोरोना की वजह से आपको शायद ही ऑनलाइन करेगा, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। अगर आप जैसा रैंक आएगा वैसा ही आपको दिया जाएगा ऑनलाइन और ऑन साइट काउंसलिंग का, ठीक है ना। अगर आपको वहाँ पे जाकर आपको अपना स्पेसिफिक जो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जो कि आपको अलॉट होगा, कौन सा कैंपस आपको, भेलोर का कैंपस चाहिए या फिर आंध्रा का कैंपस चाहिए, या आपके रैंक के हिसाब से जाएगा, या फिर अपना अपना प्रिफर भी आप भर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करके आपको एडमिशन हो जाएगा। दूसरी बात, ये सारा का सारा मैंने बेस कर दिया, किसी को अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो, मैं उम्मीद करता हूँ वॉइस में प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अगर फिर भी अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो, फिर यहाँ पे स्क्रीन पे सो रहा है वहाँ देख लेना, ठीक है ना। अगर बात करें फी डिटेल्स की, फी डिटेल्स की यार देखो, टोटल दोनों ग्रुप में, मैं सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगा BTECH का प्रोग्राम के लिए, क्योंकि BTECH के अलावा आपको बाकी का जो अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं बना दूंगा अलग से। तो वहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी का डिटेल्स ठीक है, मैं फिर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना, मैं बता दूंगा। अगर फीडर से, अगर सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है, जो कि वेबसाइट से उठाया गया है, एक भी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद से अपने घर से लाके नहीं दिया है, ये आप बात समझ लेना। टोटल दोनों ग्रुप है, एंड ग्रुप ए
एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए में बी में ज्यादातर आपका आईटी रिलेटेड जो भी ब्रांच है उसमें मेंशन किया गया। अब आप पूछोगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी क्यों मेंशन किया गया, भाई ये मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा, ठीक है ना। अगर फीस की बात करें, अगर ग्रुप ए में जितने भी ब्रांच आते हैं उनमें अगर आपको फीस चाहिए तो 173 टोटल ट्यूशन फीस है, जो कि पर एनम का है, मतलब 2 सेमेस्टर लेके आपको 173,000 1.73 लाख आपको देना पड़ेगा हर साल का। अगर आपको जो कि रिफंडेबल वन टाइम पेमेंट है वो 3,000 देना पड़ेगा, एंड टोटल फीस टू पेड ऑन द फोर फर्स्ट ईयर 1.76 लाख आपको देना पड़ेगा, मतलब कि 1,76,000 आपको देना पड़ेगा। अगर ग्रुप बी के लिए बात करें, ग्रुप बी के लिए अगर आपको 1,95,000 जो कि आपको ट्यूशन फीस के लिए देना पड़ेगा, वन टाइम रिफंडेबल 3,000 देना पड़ेगा, इसको टोटल मिला के 190 लाख, मतलब कि पूरा 2.5 लाख का चुनाव, सॉरी 2 लाख आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं कि फैकल्टीज, फैकल्टीज लगभग एक समझ लो यार, मैंने जैसा कि बता दिया ऑल ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भाई एक बार अगर इसका प्राइवेट कैंपस टूर कर लोगे ना तो जिंदगी में आईआईटी भी जाना छोड़ दोगे, ठीक है। अगर वो किसी से कैंपस कोई अगर चाहता है कि मेरे कॉलेज लाइफ बेहतर हो, टॉप 7 आईआईटी, अगर आप आईआईटी खड़गपुर को छोड़ के अगर इसकी अगर कैंपस देख लोगे तो मतलब कि ये समझ लो पूरा इंडिया यहीं पे टूर हो जाएगा, मतलब सुपर है भाई, सुपर। अगर आपको नहीं पता तो आप जाना यार वेबसाइट में मानना, या फिर या हमारा तो यूट्यूब तो है, वहाँ पे जाके आपको बोलना कि VRT भेलोर कैंपस टूर, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, बढ़िया सा ड्रोन कैंपस से देखे होगा या फिर कैमरा से शूटिंग से होगा, हर एक तरह से। फैकल्टीज की बात करें, जिम, रेलवे, हर एक चीज़ की यहाँ की फैकल्टी है, हॉस्टल, सोलर पावर, कैंपस जनरली, इंटरनेट, क्लब, फेस्ट, हर एक चीज़ का फेस्ट जबरदस्त होता है, वो मैं बाद में भी बात करूंगा, जो कि फैक्ट कुछ आपको जानना चाहिए। तो एक बात समझना, जो एक पूरे इंडिया में जो एक टॉप कॉलेज में, टॉप यूनिवर्सिटी में जो भी फैकल्टीज होता है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये बात आप दिमाग पे रख लेना। अगर हॉस्टल की बात करें तो देखो, हॉस्टल की बात बेसिकली यार, हॉस्टल 18 हॉस्टल, टोटल 18 18 हॉस्टल है आपका, उनमें से आपका 12 हॉस्टल जो कि बॉयज के लिए है, एंड 12 हॉस्टल बॉयज के लिए है, एंड 6 हॉस्टल जो कि गर्ल्स के लिए है। देखो यहाँ पे मेंशन हो गया कि अगर, हाँ, हॉस्टल में आपको सिस्टम करेगा, वन बेड का हॉस्टल भी मिलेगा आपको, 2 बेड का हॉस्टल मिलेगा, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड। अब आपको बोलोगे एक ऐसा हुआ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एक रूम में एक बेड मिलेगा तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा, एक रूम में 2 बेड मिलेगा उसके लिए अलग से चार्ज देगा, एक बेड में 3 बेड, एक रूम में आपको 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड तक आपको मिलेगा, उसके लिए थोड़ा कम चार्ज मिलेगा, जितना बेड ज़्यादा होगा उतना चार्ज कम होगा, ये आप समझ लेना। और दूसरी बात, आप एसी और नॉन एसी दोनों भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप ये कॉलेज ले रहे हो बिल्कुल, तो आपके पास इस कॉलेज को अफोर्ड करने का ताकत होगी, तो आप एसी में ही जाना, नॉन एसी में मत जाना, क्योंकि बिल्डिंग इतनी सारी बड़ी है कि आपको अंदर से घुटन होगी, तो आपको एसी ही लेना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादातर फर्क नहीं होता यहाँ पे, देख लो यार, अगर आप सॉरी यार, अगर सिंगल बेड की अगर आप लोगे तो हॉस्टल फीस करीबन 1,14,748 रुपीज़ आपको लगेगा, जो कि हर साल का देना पड़ेगा, एंड जो कि रिफंडेबल वन टाइम है वो 15,000 देना पड़ेगा, टोटल करीबन आपको 1.3 लाख का आपको एक साल के लिए देना पड़ेगा। ए हो गया ए, जो कि इंडियन ग्रेड फॉर गर्ल्स, जो कि फॉर जी एंड एज ब्लॉक्स, जो कि यार देखो बहुत सारा, 18 टोटल है, 18 जो कि हॉस्टल है उनमें से 12 महीने की, जैसे पहले ही बता दिया, 12 12 आपका बॉयज का हुआ है, एंड 6 का जो आपका गर्ल्स का हो गई, बाकी जो भी मेंशन मैंने कर दिया है यहाँ, 3 बेडेड के लिए 96,000 जो कि, एंड 4 बेडेड के लिए 89,000, ऐसे ही आपको जैसे जितना बेड ज़्यादा लोगे उतना कम आपको पे करना पड़ेगा, बाकी जो भी फीस अगर कोई भी दिक्कत रही तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और बात करते हैं प्लेसमेंट, जिसके लिए आप सभी लोग मरे जा रहे हो, ठीक है ना, सॉरी यार फॉर द। तो हम बात करते हैं अगर प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सीधी सी बात करूँ, टोटल प्लेसमेंट प्रोसीड्योर कैसे होता है। देखो अगर आपको नहीं मालूम है प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेशल VIT के लिए, सिर्फ VIT के लिए, लगभग हर कॉलेज में ही ऐसा होता है, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही प्लेसमेंट की क्राइटेरिया रहती है। सबसे पहले आपको जैन और फेब के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फेब और मार्च के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जुलाई अगस्त
आपको ड्रीम सुपर ड्रीम है। सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट में यहाँ पे BIT ने कुछ अलग ही तरकीब निकाला है। तरकीब क्या है, सीधी सी बात यह है कि आपको यहाँ पे जो कि प्लेसमेंट में आपको कुछ कैटेगरी से डिवाइडेड कर दिया गया है, ड्रीम ऑफर, सुपर ड्रीम ऑफर और जो कि मैक्स ऑफर बोला जाता है। मैक्स ऑफर ये इसे कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक कंपनी सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करता है उसे मैक्स बोलते हैं। अगर ड्रीम को बोले तो ठीक है, लगभग करीबन यहीं कोई 10-20 लाख की अगर पैकेज मिल जाए तो आपको उसे ड्रीम बोला जाता है। अगर सुपर ड्रीम की बात करूँ तो जो भी फैंग कंपनी होता है या फिर प्रोडक्ट बेस जो टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड होता है उसमें उसे बोलते हैं सुपर ड्रीम में। अगर MTech की इंटर्नशिप की बात करूँ तो इंटर्नशिप भी कुछ अच्छी मिल जाती है जो कि जून और जुलाई के वक्त मिलता है प्लेसमेंट। अगर बात करें 10,000 से लेकर 45,000 इंटर्नशिप के दौरान आपको मिल जाता है यार। कोई मतलब कि ठीक ठाक है। अगर IT सर्विस कंपनी के लिए अगर जाओ तो 3 to 5 लाख एंड ड्रीम कंपनीज के 5.5 लाख से भी ज़्यादा एंड ऐसे ऐसे ही बाकी का सारा मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग इसमें पे देख, अगर प्लेसमेंट की जो कि कंपनी आता है इस कॉलेज में, देखो यार हर एक इंडिया के सबसे टॉप बड़े कंपनी इसमें आता है सिवाय गूगल के, ठीक है ना। अगर कोई गूगल में मिला भी है, अगर आप बोलोगे यार नहीं यार मुझे तो ऐसे गूगल में, एक बच्चे को मैं जानता हूँ गूगल में मिला, लड़े करना मत तो आ जाना यार। मैं अगर कोई मिला है तो वो ऑफ कैंपस में उसे मिला है, ठीक है ना। आप बेसिक जो वेबसाइट से, मैं पहले ही बता दिया सारा का सारा इन्फॉर्मेशन टोटल वेबसाइट बेस से है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन में कोई शक मत करना, ठीक है ना। दुख बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ जो कि टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो 44 लाख जो कि इस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज है, मतलब कि टॉप अगर प्लेसमेंट है तो माइक्रोसॉफ्ट से मिला है। एंड उसके बाद आते हैं जो कि टॉप कंपनी जैसे कि डिसा, उड़ान, वर्क इंडिया, अमेजन, हर एक कोई आता है। लेकिन अगर बात करें इसकी जो प्लेसमेंट, उसकी रेशियो बहुत ही ज़्यादा, मैं उस बाद में बात करूंगा। इसके अलावा भी आपको हर एक कंपनी, होंडा हो गया या आप होंडा पोर्ट, ग्लोबल एनालिटिक, TCS, विप्रो से सबसे ज़्यादा 1 साल ने, अब मैंने नेक्स्ट इसके बाद में बताता हूँ जो कि इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अगर इसने पूरा VIT ने लिम्का बुक ऑफ अवार्ड का जो कि इसे अवार्ड मिल चुका है। क्यों मिल चुका मैं बताता हूँ यार। जो विप्रो होता है, जो विप्रो से इसने VIT यूनिवर्सिटी से सबसे पहले 129, मतलब कि 129 बच्चे को एक साथ रिक्रूटमेंट किया है जो कि विप्रो, जो कि पूरे इंडिया में एक बड़ी मात्रा से इसे माना जाता है। इसलिए इसने इसे लिंक का बुक ऑफ रिकॉर्ड का इसे सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक कॉलेज की रेपुटेशन के लिए बहुत ही बेहतर है। बाकी इंटर्नशिप बहुत सारा मिलता है विप्रो से, मिलता है आपका हर एक चीज और भी बहुत सारे मिलता है, जो कि सबसे बड़ी बात आपको खुद से थोड़ा बहुत ये करने का। कॉलेज तो आपको बहुत सारा ऑफर देगा हर एक कंपनी को, लगा कॉलेज का काम है कि वो कंपनी ला के दे, बाकी फोड़ना तो खुद को है। अगर जो कि फैक्ट्स यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज यार, देखो सबसे बड़ी बात पूरे मैं वीडियो में जितना बताया, सबसे बड़ी जो झटका लगने वाला है यहाँ पे कि ये टोटली मैं खुद से फील करके बता रहा हूँ, खुद का रिसर्च से मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ बच्चों से पूछा उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड आपको समझना होगा कि ये फैक्ट्स है जो कि रियल है मुझे लगता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, लेकिन ये फैक्ट को आपको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जेल, मतलब कि यार इस चीज इस VIT को एक जेल बताया जाता है। इस आप बोलोगे यार टॉप 5 स्टार जैसे बिल्डिंग है, मतलब कि मालदीव जैसा लेक है, तो आपको फिर भी इसे जेल क्यों बताया जा रहा है। देखो यार इसको मैं बाद में बताता हूँ। अगर फाइन फाइन की बात करें तो किस तरह का फाइन, अगर यहाँ पे बहुत सारा फाइन मिलता है अगर आप लेट नाइट आते हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, अगर आप ड्रग्स लेते हो, तो इस साल के सबसे बड़े, अगर आप किसी भी कॉलेज के किसी भी नियम को उल्लंघन करते हो तो आपको फाइन लग जाता है। हर एक चीज़ से फाइन, अगर आपने स्मोकिंग किया है तो आपको फाइन लगता है। सबसे बड़ी जो घटिया बात है जो कि आपकी पूरे कॉलेज लाइफ को आपके स्पॉल कर सकते हो, यहाँ पे आप एक दूसरे के, मतलब कि आप अपने गर्ल अपना आप किसी लड़के या लड़की के हाथ पकड़ के नहीं जा सकते। एक लड़का और एक लड़की इस कॉलेज में हाथ पकड़ के घूम नहीं सकता, ऐसा जो कि कंपास के बच्चे ने ही बताया। और दूसरी बात, अगर इसके फाइन के अगर ऐसा आपको देखा पहला तो आपको वार्निंग दिया जाएगा, तो उसके बाद सुपर वार्निंग दिया जाएगा। अगर फिर भी आपने ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 1,000 से लेके 5,000 तक आपको फाइन दिया जाएगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना, 1K से लेके
फाइव के तक आपको मिल जाएगा। इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। अगर आपने स्मोकिंग किया, अगर आपने कैंपस से बाहर गया, अगर आपने किसी बच्चे को या किसी लड़के या लड़की को छोड़ा यार, अगर आपने किसी को दूसरे बाहर वाले बच्चे को भी अगर कैंपस में बिना गेट के अलावा अगर प्राचीर उससे डिंगवा के लाया, तो आपको फिर भी आपको फाइन देना पड़ेगा। इस चीज़ को दो आप रख लेना। और सबसे बड़ी बात जो कि पेरेंट्स को बहुत पसंद है, यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ज़्यादातर पॉइंट में आपको आपकी तो लगने वाली है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदे होने वाली है। अगर क्लब की बात करूँ तो क्लब में करीबन 80 से भी ज़्यादा क्लब है। हर एक आपको टेक क्लब मिल जाएगा, हर एक डेवलपर टेक क्लब में आपको एप्पल डेवलपर मिल जाएगा या फिर वेब डेवलपर मिल जाएगा, जो कि हर एक तरह का डेवलपर आपको हर चीज़ फील्ड से मिलेगा। एक चीज़ को आपने देखना है, सबसे बड़ी बात, 8,000 से भी ज़्यादा आपको फर्स्ट ईयर में फेस करना पड़ेगा। अरे हर एक फर्स्ट ईयर में, अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर में 8,000 ये आपको फेस करना पड़े, तो आप समझ सकते हो किस तरह का यहाँ पे जो कि आपको फील्ड मिल जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर जिम की बात करूँ तो टोटल आपको 4 जिम मिलेगा, जिसमें से आपको एक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग मिल जाएगा, एक कोएड मिलेगा। और दूसरी बात, कोएड भी मिलेगा लेकिन वहाँ पे पीडीए, मतलब कि पीडीए गर्ल्स रहेगी। पीडीए गर्ल्स क्या होता है, देखो पीडीए गर्ल्स एक तरह का गार्ड होता है, जिसमें आपको वो सिर्फ इस चीज़ में ध्यान देते हैं कि आप अपने, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूम नहीं सकते, एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति, जो कि पुराना संस्कृति है, उसे मान के चलना पड़ेगा। एंड अगर बाकी जो विजिटिंग प्लेस, इसके विजिटिंग अगर जिम की जब बात कर रहे हैं, तो आपको एक अलग से जो कि पेड जिम होता है, वहाँ पे अपना अपना बॉडी डोले वगैरह बना भी सकते हो। वहाँ पे आपको जाके अपना जिम अपना करना है तो अपना बॉडी बनाना है, तो वहाँ भी अपना कैंपस के अंदर मिल जाएगा, तो वो आप चूज कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आपको किसी भी, जैसे कि और कॉलेज में जो कि मुझे एक चीज़ इन सारे जो पॉइंट में सबसे बढ़िया लगा, वो है चूज योर फैकल्टी। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि अगर आप जिस भी फैकल्टी, अगर आपको इस टीचर को अगर पसंद नहीं आया, तो आप इस टीचर को छोड़ के दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। जिसे भी चाहते हो उसे जाके अपने अपने हिसाब से चूज करके पढ़ सकते हो। इसके लिए ये बहुत ही सही लगा मुझे। बाकी जितने भी, अगर अगर विजिटिंग प्लेस की बात करें, तो देखो यार, भीलों का जो कैंपस है उसका चारों तरफ जो कि विलेज एरिया, तो उतना खास ज़्यादा आपको ये मिलेगा नहीं, घूमने का प्लेस मिलेगा नहीं। बाकी आपको कैंपस के अंदर जो कि मैकडोनल्ड्स से लेके हर एक का चीज वगैरह वगैरह आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, टॉप कंपनी के स्नैक्स मिलेगा। एंड बाकी 8th जो कि स्कॉलरशिप के बाद बारे में बात करें, देखो स्कॉलरशिप में अगर आप बोर्ड टॉपर हो, तो आपको 100% ट्यूशन फीस, ओनली फॉर ट्यूशन फीस, ये चीज रख लेना कि ओनली फॉर ट्यूशन फीस। अगर आपने बोर्ड टॉपर, किसी भी बोर्ड टोटल मेरे इंडिया में करीबन बहुत सदा करवाए, इस हिसाब से टोटल अगर 30 बोर्ड, अगर कोई बोर्ड टॉपर इस कॉलेज में नहीं जाएगा, ये आप चीज दिमाग में रख लेना, वो या तो फिर जेई क्लियर करेगा, या फिर एडवांस क्लियर करेगा, या फिर बिट में जाएगा, बिट सेट में जाएगा, तो यहाँ पे क्यों आएगा। तो बोर्ड टॉपर तो यहाँ आने से रहा, तो इसका कॉलेज का स्कॉलरशिप, कॉलेज अच्छा, मतलब कि बिजनेस आइडिया अच्छा है कि वो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप तो इसे देने से रहा। और बाकी की अगर आप टॉप 50 में आते हो, तो आपको मिल जाता है करीबन 75, अगर टॉप 100 में आता हो करीबन आपका 25, ऐसे करके आप देख लेना कि टॉप 100 बच्चे को ऐसे कुछ कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर बात, अगर फैक्ट जो आता है कि 80,000 स्टूडेंट, मैंने जो ये बताया कि अब आते हैं कि जेल क्यों बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कैंपस के बाहर जाना नहीं, हर हर दिन आप सारा सारा रात, या फिर अगर बात कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक, वो 6 बजे के अंदर आप चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, आपको कैंपस के अंदर आ जाना पड़ेगा। एंड अगर आप जो कि साइलेंस आवर होता है, मतलब कि 9 PM to 6 AM, उस पे आप कोई भी शोर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फाइन लग सकता है 1,000 से लेके 5,000 तक। तो मतलब क्या, मतलब कोई हॉस्टल में क्यों रहना चाहता है, एक कॉलेज वाले बच्चा हॉस्टल में क्यों रहना चाहता है। मस्ती, असली मस्ती तो 9 से लेके 6 तक शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो अलग बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो पसंद करेंगे। एंड बाकी मुझे वो 8,000, अगर आपको, मैं आप देख रहे होगे कि अमेजन आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, लेकिन अगर एक चीज समझ लो, अगर वहां पे अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट आ भी जाता है, अगर 10 बच्चे को भी दे देना, 8,000 बच्चों में अगर आपको 10 बच्चे को मिल जाए, या 20 या 30, अगर 100 को भी मिल जाए, तो रेशियो बना लो यार, 100 को कभी नहीं मिलता, 10-20 हाइस्ट मिल जाता है। एंड अगर इतना भी मिले तो
बहुत ही घटिया है, ठीक है ना। इतने ज़्यादा आप यह फीस ये करो, हर साल की 2 लाख फीस दे रहे हो, और अंत में ऐसा जो कि, और सबसे बड़ी बात है एवरेज पैकेज की बात करें करीबन 6 लाख पर एनम। यार इससे तो मेरे गांव के जो कॉलेज है वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है ना। दैट्स ऑल। अगर कोई भी, मैं इतना ही बताता हूँ, अगर कोई भी छूट गया हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो मुझे बताना, एंड कोई भी क्वारी रहा तो मुझे कमेंट करना यार। थैंक यू सो मच।